गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर बम की सूचना को लेकर गुरुवार को हड़कंप मच गया। गोरखपुर पुलिस कंट्रोल रूम से सूचना मिली कि रेलवे स्टेशन पर एक लावारिस बैग है जिसमें बम की सूचना मिल रही है। सूचना मिलने पर सभी अधिकारी मौके पर पहुंचे। अधिकारियों के साथ बम निरोधक दस्ता भी पहुंचा। ये पूरा मामला मकर संक्रांति, गोरखपुर महोत्सव और कुंभ मेले को लेकर पुलिस की सतर्कता का एक रियलिटी चेक मार्क ड्रिल था, जिसमें बम की सूचना पर फायर ब्रिगेड, आरपीएफ, जीआरपी, मेडिकल टीम, एलआईओ और स्थानीय पुलिस की सक्रियता दिखी। आनन फानन में सारी टीमें रेलवे स्टेशन पर पहुंच गईं और बैग में रखे बम को बम निरोधक दस्ते से चेक किया। तब जानकर कर्मचारियों को मालूम चला कि ये एक मार्क ड्रिल है। ये पूरी सूचना पुलिस की सक्रियता को लेकर की गई थी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए आरपीएफ इंस्पेक्टर भास्कर सोनी ने कहा, वर्तमान परिवेश को ध्यान में रखते हुए 26 जनवरी पर्व भी आने वाला है, इसलिए हमें आरपीएफ जीआरपी संयुक्त रूप से सीओ सर के निर्देशन में, सीओ जीआरपी के निर्देशन में आज मार्क ड्रिल किया गया, जिसमें गोरखपुर क्षेत्र के हमारे सभी आरपीएफ के इंस्पेक्टरान और जीआरपी के सभी इंस्पेक्टर और बल सदस्य उपस्थित थे। हम लोगों ने काफ़ी तैयार मतलब कम समय में अच्छी तरह से प्रबंधन करते हुए बीडीपीएस टीम और अन्य सिविल प्रशासन, सिविल पुलिस और फायर ब्रिगेड की मदद से सफलतापूर्वक ये मार्क ड्रिल किया। विशेष फोकस है बम थ्रेट काल पे था कि आपातकाल में अगर कोई बम या कोई इस तरह के इंसिडेंस हो तो हम लोग कैसे तत्परतापूर्वक निपट कर कम से कम कैजुअलिटी में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जान बचाएं।